अभी दो दिन पहले आप पांच दिन पहले देखे होंगे मीडिया कह रहा है कि नीतीश के हाथ में ही पूरा भारत सरकार का कमान है। नीतीश जी अगर न चाहे तो देश में सरकार नहीं बनेगी। इतना ताकत है नीतीश कुमार के हाथ में। नीतीश कुमार ने उस ताकत के एवज में क्या मांगा? आज के बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा, यहाँ चीनी की फैक्ट्री चालू हो जाए ये नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए नहीं मांगा। क्या मांगा? कि 25 के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, भाजपा वाला कह दे सब पूरा राज्य के आदमी का इज्जत बेच दिया। 13 करोड़ आदमी का जो नेता है, हम लोग का अभिमान है, सम्मान है, पूरे देश के सामने झुक के पैर छू रहा है ये आदमी मुख्यमंत्री बने रहने के। लोग कहते हैं भैया आपने तो नीतीश का मदद किए थे 2014 में, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, आप ही तो कहे थे, अब काहे विरोध कर रहे हैं? इसीलिए विरोध कर रहे हैं। 14 के नीतीश कुमार और 24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार ने मोदी के सामने झुक के पैर नहीं छुआ था, 14 के नीतीश कुमार ने अपना जमीन नहीं बेचा था, अभी वो आदमी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार। अभी दो दिन पहले आप पांच दिन पहले देखे होंगे मीडिया कह रहा है कि नीतीश के हाथ में ही पूरा भारत सरकार का कमान है। नीतीश जी अगर न चाहे तो देश में सरकार नहीं बनेगी। इतना ताकत है नीतीश कुमार के हाथ में। नीतीश कुमार ने उस ताकत के एवज में क्या मांगा? आज के बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा, यहाँ चीनी की फैक्ट्री चालू हो जाए ये नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए नहीं मांगा। क्या मांगा? कि 25 के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, भाजपा वाला कह दे सब पूरा राज्य के आदमी का इज्जत बेच दिया। 13 करोड़ आदमी का जो नेता है, हम लोग का अभिमान है, सम्मान है, पूरे देश के सामने झुक के पैर छू रहा है ये आदमी मुख्यमंत्री बने रहने के। लोग कहते हैं भैया आपने तो नीतीश का मदद किए थे 2014 में, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, आप ही तो कहे थे, अब काहे विरोध कर रहे हैं? इसीलिए विरोध कर रहे हैं। 14 के नीतीश कुमार और 24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार ने मोदी के सामने झुक के पैर नहीं छुआ था, 14 के नीतीश कुमार ने अपना जमीन नहीं बेचा था, अभी वो आदमी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार।